अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इसका अगर स्क्वायर रूट निकलेगा तो फोर का स्क्वायर रूट टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओनली ए, तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. इज इट क्लियर? यस मैम. नाउ अब हमें प्लस बी अपॉन टू ए को आर एच एस साइड में ट्रांसपोज करना है, प्लस बी अपॉन टू ए को हमें आर एच एस ट्रांसपोज करना है. तो एल एच एस में प्लस था, आर एच एस में जब ट्रांसपोज किया तो माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. अब टेक टू ए एज एलसीएम, टू ए हमने एलसीएम ले लिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. अब दोनों साइन को बेटा हम अलग अलग करेंगे क्योंकि हमारे पास x के टू रूट होते हैं. जब हम एक बार प्लस लेंगे तो हमें x का एक रूट मिलेगा, और जब हम एक बार इस फॉर्मूले को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो हमें x का दूसरा रूट मिलेगा. x माइनस बी प्लस एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लिया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और x इज इक्वल टू माइनस बी. अब नेगेटिव साइन के साथ लेंगे माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये जो दो फॉर्मूले हैं यानी कि x के टू रूट्स, ठीक है, इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं और श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं. इस पूरे डेरिवेशन में हमें तीन फॉर्मूला मिले. कौन कौन से? फर्स्ट ये मिला जिससे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x के रूट्स फाइंड करेंगे. ठीक है, इक्वेशन में जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगा उसमें a, b और c तीनों की वैल्यू दी होगी, उन तीनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x के रूट्स फाइंड करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ये आपको बुक में गिवन नहीं है. ठीक है, बुक में आपको जो ये मैंने पूरा डिराइव किया है ये पूरा ऐसे डेरिवेशन के थ्रू बुक में किया गया है. ठीक है, और ये जो दो फॉर्मूले हैं यहां से हम x के रूट्स फाइंड करते हैं और इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं और श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं. अब पहले बताओ अब इतना समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से आया? यस मैम. कोई प्रॉब्लम है? यस मैम. एनी प्रॉब्लम? नहीं है ना? ठीक है बेटा, क्योंकि अब हम इसके आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे जब तक आप ये वाला फॉर्मूला ये और ये अच्छे से आप लर्न नहीं कर लेंगे विथ डेरिवेशन. जिन्होंने डेराइव नहीं किया है कॉपी में वो कर लेंगे. क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म में सॉल्व करेंगे. ठीक है,